नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। कोरोना वायरस ने देश में हाहाकार मचाया हुआ है। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और औसतन 3,000 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी भी लगातार देश में बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज दम तोड़ रहे हैं, ऐसी खबरें रोज सामने आ रही हैं। इस बीच अब बेंगलुरु के 2 अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अलर्ट जारी किया है। बेंगलुरु के आरटी नगर के मेडिक्स अस्पताल और राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की जान दांव पर लगी है। मेडिक्स अस्पताल और राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज ने अपने अलर्ट में कहा कि उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को जल्द दूर किया जाए, क्योंकि आज 3 मई को शाम 5 बजे तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। वहीं राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी ने एक वीडियो शेयर भी किया और उनके अस्पताल में ऑक्सीजन संकट है ये बताया। राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से जीवन रक्षक गैस ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, अस्पताल में 200 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और सिर्फ 5 बजे तक ही ऑक्सीजन हमारे यहाँ बची है। इन 200 मरीजों की जान संकट में है। प्लीज चामराजनगर जैसी दूसरी घटना यहाँ मत होने दीजिए, इसे रोकिए। आपको बता दें कि बीते दिन ऑक्सीजन की कमी से कर्नाटक में चामराजनगर के जिला अस्पताल में 24 मरीजों की मौत हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।